Now let us do few more examples of geometrical isomerism. I will give you some compounds aur aapko usme se batana padega kaun GI show karega aur kaun show nahi karega. Theek hai, hum kuch examples aur kar lete jisse acche se command aa jaye topic pe. To kuch examples jo main aapko dena chahti hu, pehla example ye hai. ET matlab ethyl, ME matlab methyl. Benzene ring hai yahan pe और कोई ग्रुप नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, बस यही दो ग्रुप लगे हैं क्योंकि बेंजीन रिंग है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. दो ग्रुप्स होते, यदि यहाँ पे ये रिंग नहीं होती ना, ये जो बेंजीन रिंग नहीं होती, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन होता और यहाँ पे ये मिथाइल इथाइल इधर लगा देती, तो नेचुरली यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाते और दो हाइड्रोजन आ जाते तो हम उनकी पोजिशन कंपेयर कर लेते कि सेम साइड पे है कि ऑपोजिट साइड पे है. पर क्योंकि ये बेंजीन रिंग है तो अब इन दोनों कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, इससे यहां पे जीआई नहीं होगा. इस कंपाउंड में ये एक बायफिनाइल है, वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बायफेनाइल है. यहाँ पे दोनों जगह सी एल है ऑर्थो पोजिशन पे, इन दोनों ऑर्थो पोजिशन पे ई टी है. हमें पता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये रिंग रोटेट कर जाएगी और जब ये दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं होंगी तो जी आई नहीं होगा. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, आपको याद आया अपन ने पहले करा था ना, यदि तीन बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच होंगी तो क्या होगा, ये बीच वाली जो रिंग है ना ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी. जब दो बेंजीन रिंग होती तो एक इस प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर प्लेन में चली जाती. तीन है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि बीच वाली मुड़ जाती है, बीच वाली रोटेट हो जाती है. यदि बीच वाली रोटेट हो गई तो ये दो टर्मिनल्स जो हैं ये सेम प्लेन में आ जाएंगे और यदि दो टर्मिनल सेम प्लेन में होते हैं तो जीआई होता है, नहीं तो नहीं होता है. इसलिए इसमें जीआई होगा, ये ईटी है. इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मैं यहां लिख भी देती हूं, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये ब्रोमीन है, ये दो हाइड्रोजन है, आपको दिख ही रहा है कि ये सिस फॉर्म है. यदि हम दोनों एच को ऑपोजिट साइड में लगा देंगे तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, ये सिस फॉर्म है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो जीआई होगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ये मिथाइल ऑरेंज है, दिस इज मिथाइल ऑरेंज. अब इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, आप ये समझ रहे हो ये एजो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड एन है, दोनों साइड बेंजीन रिंग है, ये एजो ग्रुप है और हमने पढ़ा था इमाइंस में, ऑक्साइन में, एजो कंपाउंड्स में, उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है. तो यदि मैं यहां पे दो लोन पेयर लगा दूं, और मैंने आपको बताया भी था कि लोन पेयर्स को भी हम एक ग्रुप मानते हैं, जब लोन पेयर रहता है तो उसको भी एक ग्रुप मानते हैं. तो जब ये दोनों लोन पेयर, देखो हमें जी आई तो यहीं पे अक्रॉस अबाउट दिस डबल बॉन्ड देखना, एन डबल बॉन्ड एन के आसपास ही हमें जी आई देखना होता है, वहीं पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट देखना होता है. तो यहां पे जब दो लोन पेयर सेम साइड पे होंगे तब हम उनको सिस बोल देंगे और जब दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड पे होंगे तो हम उनको ट्रांस बोल देंगे. इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज में भी जीआई पॉसिबल है.
इसमें इसमें आप देखो ये हमारे पास डबल बॉन्डेड ग्रुप है, इस कार्बन पे बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन है, और इस नाइट्रोजन में लोन पेयर है और ये पूरा ग्रुप है। आप समझ रहे हो, ये सी डबल बॉन्ड एन है, इस सी पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं वो कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और एक फिनाइल रिंग है, और दूसरा यहां पे एक लोन पेयर है और एक पूरा ग्रुप है, और यहां पे इसलिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। इसके क्रॉस क्या कहते हैं आप लोग जरा सोच के देखो कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखो ये सी डबल बॉन्ड सी, इस पे इस कार्बन पे मिथाइल और ये ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे मिथाइल और ये ग्रुप लगा है, तो हम यदि देखें तो क्योंकि ये अलग ग्रुप्स हैं, ये अलग ग्रुप्स हैं, तो यहां पे जीआई होगा, और यहां पे हमने दो मिथाइल सेम साइड रख दी है इसलिए ये सिस फॉर्म है। ओके इस तरह आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स देख लो जो हमने अभी तक पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा या तो कोई सिस ट्रांस होगा या तो कोई ईजेड होगा, सिन एंटी होगा, इस बेसिस में हमने जीआई डिफाइन करे हुए हैं। तो अब जब हम क्लियर हैं ये समझने में कि कहां पे जीआई होगा कहां पे नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, जब उसकी बात क्लियर हो गई है तो आप अपन ये देखते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। कई बार जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते तो हर डबल बॉन्ड के आसपास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली हम बात करते हैं डबल बॉन्डेड्स में, डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं जीआई की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें जब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कितने बन सकते, जब एक आपके पास एक कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं और आपको ये पूछा जाता है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो उस केस में हमें कुछ फॉर्मूले याद कर लेने में ज्यादा फायदा है। हम बना बना के देखे हर डबल बॉन्ड के क्रॉस यदि हम बना बना के देखने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो एंड यू मे फॉरगेट वन और टू आइसोमर्स, सो इट्स बेटर वी लर्न फ्यू फॉर्मली एंड अप्लाई देम। सो नाउ लेट्स हैव अ न्यू टॉपिक ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विच इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो यू नीड टू हैव फ्यू रूल्स फ्यू फॉर्मूले एंड बिफोर स्टेटिंग द फॉर्मूला लेट मी टेल यू एन इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर इज द बॉन्ड और द एटम अबाउट विच जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर इज सी। Now rule number one says if the two ends are different, two ends are different and n is the number of stereo center, number of GI is equal to 2 raised to power n. Now next is if
the two ends are same and n is an even number, then number of GI is equal to 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n upon 2. And third is, if the two ends are identical and n is an odd number, then number of GI is equal to 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 upon 2. These are the three formulae you need to remember. Okay, so what are these three formulae which you need to remember? Abhi inki practice hum zarur karenge, par aap ye dhyan mein rakh lo. ये कह रहे हैं कि इफ द टू एंड्स आर डिफरेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, जहां पे हमें आपको डबल बॉन्ड्स मिलेंगे या कोई रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसके कारण जीआई बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2 रेज टू पावर एन. पर यदि दोनों एंड सेम हुए और एन जो है एक इवन नंबर हुआ, तो हमारे नंबर ऑफ जीआई होंगे 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर एन अपॉन 2. और यही नंबर यदि n ऑड हुआ तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2. क्या फॉर्मूले अपने पास में? एक है 2 रेज टू पावर n, एक है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n अपॉन 2, प्रोवाइडेड n इज एन इवन नंबर. If n is an odd number, then the formula for number of geometrical isomers is 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 upon 2. So, I hope you remember these formulae. Aap ye formulae yaad karo aur ab apan in formulae ko examples mein lagate hain, jisse aapko achhe se yaad ho jayenge and you will learn ki inko apply kaise karna hai, inko ginna kaise hai. So, let's have some examples to show these roots. Chalo, ab hum calculate karte hain ki kitne kitne GI banenge. Theek hai, to first example main lungi. Ab isko aise dekhen yadi apan, to ye kaisi situation hai? ठीक है, अब ये यहां देखो, ये क्या है, ये वाला पार्ट ट्रांस और ये वाला पार्ट सिस. ये देखो, ये ट्रांस और ये वाला पार्ट सिस. अब इसी का अपन ऐसे बना दे यदि, ये भी सिस, ये भी सिस, ये पार्ट में भी सिस और ये पार्ट में भी सिस. अब अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्रांस और इसको भी ट्रांस करते हैं, तो ट्रांस ट्रांस हो गया, ये ट्रांस सिस हो गया, ये सिस सिस हो गया, और इसको ट्रांस कर दे और इसको सिस कर दे, तो अपने पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ट्रांस सिस. फिर एक अपन ने बनाया सिस सिस, फिर हम बना सकते हैं ट्रांस ट्रांस, और फिर हम बना सकते हैं सिस ट्रांस. तो ऐसे करके टोटल हम चार बना सकते हैं. पर यदि फॉर्मूले में लगाएं, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था
ये मिथाइल है और ये इथाइल है, मतलब दोनों एंड्स आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है. और हमारे पास स्टीरियो सेंटर एक ये है और एक ये है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी हमें मिल सकता है जीआई, और इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है. तो इसलिए ओवरऑल यदि फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो दो एंड्स अलग अलग हो तो 2^n होता है. तो यहां पे नंबर ऑफ जीआई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2^2, दैट इज 4. और यदि आप ये देख रहे हो तो ये भी तो 4 ही हो रहे हैं, देख रहे हो. तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो भी 4 हो रहा है, और हम यदि इस तरह बना के देखते हैं तो भी हमें 4 जीआई मिल रहे हैं. अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन ये किया जाए कि इसको मिथाइल रहने दूं, 1, 2, 3, 4, और यहां पे भी मिथाइल कर दूं. अब यदि ये यहां पे भी मिथाइल है और यहां पे भी मिथाइल है तो दोनों एंड्स क्या हो गए, दोनों एंड्स सेम हो गए, और स्टीरियो सेंटर हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, इवन नंबर हो गया. तो नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2^2 - 1 प्लस 2^2/2. तो दैट कम्स टू 2^1 प्लस 2^1. सो दैट कम्स टू, फॉर्मूला क्या था अपना, 2^n-1. इफ यू रिमेंबर, 2^n-1 प्लस 2^n/2. सो दिस इज 2/2 इज 2^1 एंड 2-1 इज ऑल्सो. देखो थोड़ा सा यहां पे फॉर्मूला अपन एक बार ठीक से चेक कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहां पे ये है कि जब आपके पास में सेम एंड्स होंगे और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स होंगे तो फॉर्मूला है 2^n-1 प्लस 2^n/2-1. ठीक है, यही फॉर्मूला सही है. इसको एक बार आप और चेक कर लो, ये फॉर्मूला है एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2^n-1 प्लस 2^n/2-1. ओके, तो अब इनको यदि बना के आप देखना चाहो तो देखो, यहां पे हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, इधर हमने लिया मिथाइल, इधर हमने लिया हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर इधर आए हम, यहां पे सी डबल बॉन्ड सी है, ये एम ई है, ये एच है और ये एच है, एक बन गया ये. अब इसमें देखो ये कौन सा बना है, ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस. अब यदि नेक्स्ट देखो आप, एच एम ई एच और फिर यहां पे सी डबल बॉन्ड सी, तो यहां पे हम एच ले ले, यहां पे भी एच ले ले, यहां पे एम ई ले ले, तो ये क्या हो गया, सिस सिस. ठीक है, एक ट्रांस सिस हुआ, एक सिस सिस हुआ. अब वापस देखो, ये ट्रांस ले लिया अपन ने, ये क्या हो गया, ट्रांस ट्रांस. ठीक है, अब यदि नेक्स्ट हम ट्राई करें तो वो बिल्कुल सेम ही हो जाते हैं. अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एंड सेम है. यहां पे क्या हुआ था, एक मिथाइल था एक इथाइल था, इससे चारों कॉम्बिनेशन थे. यहां पे दो सिस वाला अलाउड रहेगा, दो ट्रांस वाला अलाउड रहेगा,
पर ये वाला जो है, अब ये वाला केस देखो आप, ये सिस है और ये ट्रांस है। सिस ट्रांस और ट्रांसिस दोनों एक जैसे ही कहलाएंगे, दोनों कॉमन है, दोनों को हम एक ही गिनेंगे, क्योंकि यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है। तो ओवरऑल अपने पास ये वन, ये टू और ये थ्री, ये दोनों एक ही हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम। इसलिए फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला हमने इन सबको देखने के बाद, कि यदि हमारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं एक कार्बन कंपाउंड में, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, जैसे यहां पे दो थे और दोनों एंड्स अलग अलग नहीं हैं, सेम है, आइडेंटिकल है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स का, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, 2^n-1 प्लस 2^n/2-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप प्लीज करेक्ट वाला नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला यूज करना है। यदि n/n/2 खाली लिखा है तो वो फॉर्मूला सही नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा 2^n/2-1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन भी तो आ रहा है, इसलिए हमें एक माइनस वन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जब हम लेते हैं, देखो एक बार आप ये वाला, ये क्या है, ब्रोमीन, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CHBr। ठीक है, अब आप यदि देखते हो यहां पे, तो आपको दिख रहा है कि दोनों साइड ब्रोमीन है ना, दोनों साइड ब्रोमीन है, पर ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगा है वो तो ये वाला है, और यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगा है वो बीआर है। आप समझ रहे हो, यदि अपन बात करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगा है वो ये CH2Br है और ये बीआर है, इसलिए हम इनको आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं ले सकते। आप बात समझ रहे हो, आपको ब्रोमीन दिखा तो आपको लगा कि ये तो आइडेंटिकल ग्रुप है, पर हमें डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप लगा होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये यहां से डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये है, तो इस पे ये CH2Br लगा, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन लगा, मतलब टू एंड्स आर डिफरेंट। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा, अब यहां पे स्टीरियो सेंटर 1, 2 और 3 है, तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पे, यहां पे लगेगा 2^3, दैट इज 8। तो यहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे वो होंगे 8। अब यहां पे आप देखो, एक और केस लेते हैं अपन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पे देखो आप, ये H है, ये H है, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये और ये। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसको और इसको स्टीरियो सेंटर लोगे, जबकि यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर भी क्या आप इसको और इसको स्टीरियो सेंटर लोगे, नहीं लोगे। आप समझ पाए क्यों नहीं लोगे, क्योंकि एज ए रूल आपको बताया था, यदि किसी भी डबली बॉन्डेड एटम पे सेम एटम्स लगे होंगे तो वो GI बना ही नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने उसको ऊपर लिखा नीचे लिखा उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला है। तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। इसलिए अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड और दिस डबल बॉन्ड GI नहीं होगा, मतलब ये दोनों स्टीरियो सेंटर्स नहीं है, ये दोनों स्टीरियो सेंटर्स नहीं हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 स्टीरियो सेंटर्स बचे। तो हम क्या बोलेंगे, 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं,
दोनों एंड सेम है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2^3 दैट इज 8। आपके पास कितने हैं, दो एंड सेम है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यदि दो एंड सेम है, देखो ये एंड, अब इसका मतलब फर्स्ट ये सेंटर ये है, तो ये एंड और ये एंड आप देखो सेम है, दोनों एंड जब सेम होते हैं और हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाता था, 2^n-1 प्लस 2^n-1/2। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 2^3-1 = 2 प्लस 2^1 दैट इज 6। फॉर्मूले में हमने लगाया n क्या है, स्टीरियो सेंटर्स, तो स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, ये ऑड नंबर है इसलिए फॉर्मूला था 2^n-1 प्लस 2^n-1/2। तो ये हो गया हमारे पास 3-1 मतलब 2 और 3-1 होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1, तो 2 × 2 = 4 प्लस 2 = 6। तो यहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 6। अब एक और केस अपन ले लेते हैं जहां पे मेरे पास है मिथाइल फिर CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड मिथाइल। ओके, अब यहां पे आप देखो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अब एक बात आपको ध्यान में हो यदि कि जब क्यूमुलेटेड एल्कीन्स होते हैं, जब हमारे पास पॉलीन होता है क्यूमुलेटेड मतलब जब हमारे पास कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, आपको याद आता है हमने डिसाइड किया था कि यदि हमने देखा भी था और समझा भी था कि यदि इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स होते हैं तो जीआई नहीं होता है और यदि ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स होते हैं तो जीआई होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर में क्या हो रहा था, दो एंड्स जो थे, दो टर्मिनल्स जो थे वो परपेंडिकुलर प्लेन बन रहे थे और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में हमने देखा था कि दोनों टर्मिनल्स जो थे वो सेम प्लेन में आ रहे थे और जीआई होने के लिए दो टर्मिनल्स को सेम प्लेन में होना जरूरी है। तो वैसा यदि देखें तो हम क्या करते हैं उस केस में, इस पूरे को एक डबल बॉन्ड मान लेते हैं, तो ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है इसलिए यहां पे जीआई जीरो होगा, जीआई तो होगा ही नहीं, जीआई पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लें, अब इस केस में क्या हुआ है आप चेक करो, कितने डबल बॉन्ड्स है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स 1, 2, 3, इस केस में कंटिन्यूस 3 डबल बॉन्ड्स है, ये एक ऑड नंबर है, ये यदि ऑड नंबर है इसका मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम प्लेन में आएंगे, इससे जीआई तो होगा। अब कितने जीआई बनेंगे, ऐसा होता है जब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स होते हैं तो हम उसको एक डबल बॉन्ड मान लेते हैं और एक डबल बॉन्ड के क्रॉस दो जीआई होते हैं, जितने भी रहते हैं ना हम क्या करते हैं उन सबको मान लिया कि भैया ये तो एक ही डबल बॉन्ड है और जब एक ही डबल बॉन्ड है तो फिर हमारे पास जीआई का नंबर होगा 2, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू। ओके, तो फॉर्मूले सारे आपने ये तीन एग्जांपल देख के फॉर्मूले समझ लिए, अभी मैं आपको और प्रैक्टिस दे देती हूं, 2^n 2^n-1 प्लस 2^n/2-1 और थर्ड फॉर्मूला था 2^n-1 प्लस 2^n-1/2। तो हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप ये फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर हो जाओ।